अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HMY न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। TRS लीडर गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी जामबाग डिवीज़न इंचार्ज आनंद गौड़ ने तमाम इलाके का दौरा किया और तयखुन दिलाया कि जल्द से जल्द काम मुकम्मल करवाए जाएंगे। इस मौके पर किशन, कालीचरण और बस्ती के लोग भी मौजूद थे। आइए नाज़रीन देखें हमारे नुमाइंदे अमजद खान की ये ख़ास रिपोर्ट। HMY न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। निवासी कृष्ण कुमार बात कर रहा हूँ मैं साहब। ये चूड़ी बाज़ार के अंदर हमारे ड्रेनेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा, वाटर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा, इसको कोई हल करने वाला नहीं है। हम कई जगह जाके दरख्वास्तें दिए, नोटिसें दिए, दुनिया करे, कुछ नहीं हुआ, उसका असर ही नहीं हो रहा। उसका कौन देख रहा बताइए आपको। आखिरी में हम जैसो कि थककर जैसो कि आनंद को जैसो कि बुलाए, उनको बताए, उन्होंने आए पाप बेचारे पड़ते पानी में जी, हमको लेके आके हमारे लिए, हालांकि इनसे कोई वास्ता नहीं है मगर फिर भी ये बोलते ही पब्लिक डिमांड के ऊपर जो सो कि उन्होंने आए और पब्लिक के लिए जो सो कि भिगते पानी में GM को लेके पूरा दौरा कराकर जो सो कि यहाँ के प्रॉब्लम बताए, उनको समझाए, उनके भी नॉलेज में आ गया। उन्होंने बोले इंस्ट्रूमेंट बनाओ, फिर आनंद साहब ये बोले कि आप इंस्ट्रूमेंट का काम कराइए साहब, मैं सेंक्शन कराने का काम मैं मिनिस्टर से मैं कराऊँगा, ये गवर्नमेंट से कराऊँगा बोल के। ड्रेनेज और वाटर दोनों पोल्यूट हो रहे थे यहाँ पे। 15-15 दिन साहब दरवाजे खोल के नहीं जा सकते थे, घर के बाहर नहीं झाँक सकते थे हम लोग, इतना गंदा माहौल हो गया था यहाँ पे। कोई सुनने वाला नहीं, वहाँ गए वाटर वर्क्स में रद्दी की टोकरी में फेंक दो कागज़, उधर गए थे, इतने कंप्लेंट्स दिए उसके ऊपर कोई ना पुटअप बोला, ना कोई जैसे कि PI बोला, ना कोई बोला या फॉरवर्डेड भी नहीं करे IR अथॉरिटी को। ये हालत डिपार्टमेंट की है मगर आनंद गौड़ साहब जिम्मेदारी लिए इसका, जो सो कि मैं तत्काल हल निकाल के ही रहूँगा इसको, चाहे मुझे ऊपर जाना पड़े, मिनिस्टर साहब कहने जाना पड़े, कहाँ तक भी हो सके मैं पार्टी लेवल पे जाऊँगा। और हार्ड वर्कर है, उन्होंने काम करने वाला आदमी है वो आनंद गौड़, किसी चीज़ का लालच नहीं, कुछ नहीं, पब्लिक डिमांड के ऊपर जो सो कि उन्होंने चूड़ी बाज़ार में आए और हमारी मदद करें और मदद करना चाहते हैं और आगे भी करेंगे उन्होंने, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं। और जो गोशा महल क्षेत्र में आज सवेरे से हमारे GM साहब दो दिन पहले वादा किए थे, आनंद भाई आज जो प्रॉब्लम्स बोले आपके साथ घूमेंगे बोल के, आज सवेरे 9:30 बजे से GM साहब मेरे साथ घूम रहे। पहला तुरुप बाज़ार गए थे, तुरुप बाज़ार में सीवर प्रॉब्लम थोड़ा और एक जो थोड़ा पोल्यूशन वाटर था वो भी साफ देख लिए। उसके बाद आज चूड़ी बाज़ार में आए, GM साहब चूड़ी बाज़ार में भी हमको बोले कि जल्दी से जल्दी ये सीवर लाइन कराएंगे। आज जो चूड़ी बाज़ार में आया हमारे बड़े भाई किशन भाई और कालीचरण जी और बस्सी के बड़े लोग मेरे 30 साल से यहाँ जानते हैं, 30 साल से मैं अच्छा बुरा देखता था। आज मेरे भाइया पूरे यहाँ बुलाए तो मैं आया। GM साहब भी संतोष साहब मेरे साथ आए, संतोष साहब जल्दी से जल्दी इस्टीमेट करके ये सैंक्शन करा के जो प्रॉब्लम है वो निकालेंगे बोल के भी बोले। वैसे एक बस्सी वाले बोरवेल का भी प्रॉब्लम मेरे को बोले, जल्दी से जल्दी मैं कल बोरवेल का भी करा तुम बोल के बस्सी वासियों को मैं प्रॉमिस करा। वैसी कुछ तो तकलीफ है तो आपके बस्सी में मेरे को करो, नहीं तो किशन भाई है, कालीचरण भाई है, आप लोग भाइयों को बोले तो 24 आवर्स आप लोगों के लिए मैं काम करने को रेडी हूँ। पार्टी नहीं है, काम करने के लिए बस्सी वासियों मेरे को इतना चाहते यहाँ बोले तो। मैं 20 साल पहले ये रोड, सीवरेज, वाटर जब मैं मुकेश अन्ना करने आई जब दलाया था, आज भी वही है। आज कुछ काम नहीं हुआ बोल के भाया बोल रहे, मैं 100% हमारा मिनिस्टर साहब तलसानी श्रीनिवास यादव साहब है, ये इंस्ट्रूमेंटा ले जाके जल्दी से जल्दी मैं करा तुम बोल के बस्सी वासियों को मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ। यहाँ मैं चूड़ी बाज़ार से पुखराज भाटी अपोजिट ऊंटवाड़ी से बोल रहा हूँ। ये हमारे जो बस्ती के अंदर है ड्रेनेज का और नल का दोनों का पानी मिल के आ रहा है। हम ऑलरेडी ये 5वें महीने में देखिए सर, ये हम कंप्लेंट करें और इसके बाद में फिर एक 8वें महीने में कंप्लेंट दिए, उनसे एक्नॉलेजमेंट भी लिए और इसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो फिर हमारे ये कालीचरण भाई और ये हमारे कृष्णलाल जी, उन्होंने आनंद गौड़ साहब को बोला कि साहब ऐसी ऐसी बात है, हमारे यहाँ ऐसी ऐसी समस्या है, तो उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए
और जनरल मैनेजर को यहाँ पे लेके आए और उनको बरसात होते हुए भी आए, उन्होंने सुबह सुबह आके यहाँ पे सब जने बस्ती वाले पूरे इकट्ठे हुए और उनको बताया, उनको ये समस्या से अवगत कराया कि भाई हमारे यहाँ ऐसा ड्रेनेज का और नल का दोनों पानी मिल जा रहा है और आप जो है इसका निदान, तो इन्होंने कहा इमीडिएट ही, आनंद भाई ने इमीडिएट ही बोला कि साहब इसको ऐसो आप इस्टीमेट बनाइए और गवर्नमेंट से तलसानी श्रीनिवास साहब से पास कराना, वो मेरा जिम्मेदारी है, आप अपना काम करिए, आप अपना इस्टीमेट बनाइए, इसको रेडी करके दीजिए और बस्ती वालों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और पानी कम से कम साहब यहाँ डेढ़ महीने से दो महीने, ये देखिए ये कौन से महीना है, पाँचवें महीने में मैं कंप्लेंट दिया साहब, उसके बाद में फिर आठवें महीने में फिर दिया हूँ, देखिए ये इनका ये स्टाम्प भी है सर, देखिए आप, हमने उनको बताया और सब बस्ती वालों के सबके सिग्नेचर विद फ़ोन नंबर है सब पूरे टोटली। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इस्टीमेट बना रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, इतने दिन से हमको घुमा रहे। तो कल कालीचरण भाई उनको, आनंद भाई को बोले तो आनंद भाई क्या करे, सीधा उनको लेके आए जनरल मैनेजर को रेडिल से और ये कृष्णा साहब मिलके इन्होंने यहाँ लाए, उनको बुलाए, बुलाने के बाद उनको यहाँ पे समस्या का अवगत कराया और उन्होंने कहा कि भाई इस्टीमेट बनाइए, मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा, ये मेरा जिम्मेदारी, धन्यवाद। तुम्हारी जिम्मेदारी तुम देखो, तुम सही बोल रहे, कहीं पानी आ रहा नहीं आ रहा, सर थोड़ा देखना,
थाली खोल दी है, बैठ गए होटल में जाके बैठ गए, वहाँ बैठ गए तो नहीं चलता। मेरी बात सुनो, कल बोरिंग वाले आ रहे, उन्होंने मेरा भाई है, पार्टी अलग है, बड़े भाई है, पार्टी अलग है, मगर मेरे भाई है, मेरा दिल का भाई है, अपन काम से मतलब है, बड़े भाई तो आए ना, बस कराने की जरूरत ना कराए, कल देखो, कल आदमी आ रहा है यहाँ। किशन लाइन मैन गार कुछ वनक कुछ పొజిషన్ రాకుండా అనేది చేస్తున్నాను, ఇది మన నీళ్ళు తాగేటట్టు నేను వచ్చినాను, లేకపోతే అదే మళ్ళీ పాత లెక్క అయిపోతుంది.
पीछे थोड़ा टाइम लो, मैं करा तो इंस्ट्रूमेंट की दला बोला, इंस्ट्रूमेंट भी शायद मैं बोल दिया, मैं जाके वो चेकर लेके मेजरमेंट लेता। फर्स्ट डिफरेंट मून मून फर्स्ट ఇది ఎందుకు బొంబుతుంది? ఫస్ట్ ఈ అన్నల్ కనెక్షన్ చూసుకోవాలి, చూసుకొని అది గిట్ట పోతే ప్రాబ్లం పోతుంది. తర్వాత ఈ పొల్యూషన్ ఇదైతే మన వాటర్ నుంచి రావటమే, ఎక్ మహీనే బబుల్స్ మంగా కే పీ రే, బోరింగ్ కా పానీ యూజ్ కర్ రే, బోరింగ్ కా రే తో భీ కే మినరల్ నీ రే తో భయ్యా, అభి ఆజ్ పూరా బీవర్ గిర రా బోలే తో పానీ నహీ తో పక్కా దేతి చలో, ఉస్కి వజహ్ సే లైన్ లైన్ దలా తో నా థోడా టైం లగేగా, ఛోటా బచ్చే సెంక్షన్ మై సిమర లే ఏక బార్ సెంక్షన్ కర్వా దో, మై కరా దేతా హూ, మై యా ఆయా బోలే మేరా కామ్ కైసా రహతా, మాల మాల మై के बाद भी पर्सन साफ करने के रिक्वेस्ट करे, मोरी का बीस पच्चीस दिन से नहीं हो रहा था, मोटर लगा के करा दिए मंचे पिछले ఇది కూడా కొద్దిగా టైం పడుతది, కంప్లీట్ మొత్తం ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా పైప్ లైన్ వేసిన అనుకో, ఇక ప్రాబ్లం అనేది సొల్యూషన్ ఇష్యూ అసలు पुराना लाइन है, ओवरलोड हो रहा है तो वो नाली दिल्ली भर जा रहा, अभी खाली करके जा रहा हम लोग, कल भी दो दिन के बाद छोटे छोटे लाइन डाले थे, अभी वो लोड नहीं, लोड ज्यादा यहाँ बल्डिंग बन गए तो लोड नहीं ले रहा, उसकी वजह से डेली लीकेजिंग आ रहा है, वो डेली पानी रह रहा था, वो मेन प्रॉब्लम ओवरलोड हो रहा, असल पाइप ओवरलोड हो रहा, और क्या है साहब इधर से उधर तक एक भी एक मेन होल भी नहीं, बहुत लंबा डिस्टेंस है, उसकी वजह से हमने भाई मुकेश के पीरियड में लाइन डाले से पानी का डाले मुकेश के भाई क्या बोल रहा हूँ वीडियो का, हाँ पूरा वही बात बोल रहा हूँ, परसों जो आपको बोल रहा वही बात बोल रहा हूँ, यहाँ से वहाँ तक पूरा डिलीवरी पूरा खराब आ जाएगा तो आपको सही मिलता है, फिर उसके बाद में सोचेंगे अपन क्या करना, पहले उधर से जो ये वाई बन रहा होते हैं तो उधर से सबसे पहले यहाँ पर 70% लोगों के पास बोरिंग नहीं है, उन लोगों का पैसा करना 70% लोगों के पास बोरिंग नहीं है, उनका मेन मुद्दा क्या है, जैसे बोरिंग है चलो चला लेते हैं पीने के लिए, हर चीज के लिए भी सर गवर्नमेंट की बोरिंग है वो भी चालू नहीं कर रहा, बोले तो चालू करेंगे, अरे कितने बार जाएंगे गुनगुन जाके सर हेलो कल करा देता हूं, तो बोले तो ना तो जीते से आगे पीछे ले गया, पांच वर्ष से आगे नहीं है, कोई नहीं है यहां
किशन भाई सबको लेके आते हैं, एमएलए को विजय कुमार थे, कारपोरेटर को विजय कुमार थे, काम हम करना हारे से वाला किशन भाई का सूरत देख के परसों क्या करे तुम्हारा पूरा भय रहा था, सही है 20 दिन से भय रहा था, भाई को यहाँ लेके वो साफ तो करा दिए, सिवरेज को साफ तो हम करा दिए, किशन भाई क्या बोले एक बार ऑफिसर को ले गया तो प्रॉब्लम क्या है मालूम होता, तो आप जीएम साहब है ना जनरल मैनेजर पूरे पूरे वाटर वर्क्स के पूरे साहब बिल्डिंग्स पर बैठेंगे जनरल मैनेजर साहब पर, ये देख के कैसा सॉल्व करना, सैंक्शन कराने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, सैंक्शन कराने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, अभी ये साहब देख ले के क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देख ले के इस्टीमेट करके मेरे को दे दे, ये तो फिर सीधे थोड़ा पीछे है और कुछ प्रॉब्लम है तो देख ले के मैं करा दूँ बोल के आज साहब को मैं टाइम देकर किशन भाई इंद्रार बोल वो गुंडा साहब बोले जो ब्लैक का इसमें डाला है और दिए बोल रहा आप वो दिए देखो क्या देगा आप मैनेजर साहब का मैनेजर नहीं कल बोला था ना एंटल का बिल बढ़ा रहा है बोलो क्या करें एंटल साहब के चक्कर से लगा बिल्कुल वो होने का काम नहीं है उसका बड़ा अमाउंट का होने का नहीं तुम्हें कैंसिल है भाई बन रहा था उधर से दिगंधा मन आ रहा है जैसे वापस इवन मैं समय कम से कम आधा घंटा बलिया आपका पहला बोरवेल बोले ना उसका नाम मेरी बात सुनो उसका नंबर दे कर बोरवेल वाले को आप कनेक्ट किया जाए फर्स्ट बोरवेल का करा देते बोरवेल का काम है आपको पानी का और मोरी का प्रॉब्लम है सर सवाल वो नहीं है यहाँ से होता 25 चौक है तुम कहाँ बोल के देखते कब कैसा मालूम होता तुम्हारी वो पूरा खोद के एक दिन खुला छोड़ो और दूसरा पानी आता जब तक जब कोई इंस्ट्रूमेंट बनाओ कोई बिल बनाओ जो बनाना है कैसा करना है वो बोर्ड सा पाइप नीचे करना है वो सही बोला वो बोलो बहुत ठंडा पानी पानी आने से कभी आया आज तक मेरे सामने का बच्चा मेरे सामने ये अखबार है इसका बड़ा भाई मेरा साल दो देख रहा है।